नमस्कार, मैं साक्षी एम एन एस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने पर तांत्रिकों को 200 रुपए देगी सरकार। महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। राज्य के मेलघाट सहित अन्य आदिवासी इलाकों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले तांत्रिकों को राज्य सरकार पैसे देगी। यह भुगतान प्रति मरीज 200 रुपए होगा। शुक्रवार को राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने पाया है कि आदिवासी इलाकों में लोग इलाज के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं। तांत्रिक इलाज के नाम पर आदिवासी से 200 से 500 रुपए ले लेते हैं, पर इन तांत्रिकों के इलाज से लोगों की जान चली जाती है। इसलिए मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की मदद लेने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट में मेलघाट इलाके के कुपोषण से होने वाली मौत व बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि आदिवासी इलाकों में बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत यदि बच्चे को जन्म देने वाली मां की उम्र 18 साल है और उसकी पहली संतान लड़की है तो उस नवजात बच्ची के नाम पर 50,000 रुपए की FD कराई जाएगी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।